हेलो गाइस, होप करता हूँ आप सभी तक जो मेरी आवाज़ है वो पहुँच रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना बहुत मज़ा आएगा। क्लास 7 SS गुजरात बोर्ड न्यू टेक्स्ट बुक है ना, जो भी आपकी नई नई जो गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक आई है क्लास 7 के लिए, उसका जो 6th चैप्टर है नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड है ना, नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स का जो ये 6th चैप्टर है, वो चैप्टर को हम देखेंगे। और माँ कसम खा के कहता हूँ, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ नया सीखेंगे है ना, अबाउट धोज पीपल हु लिव द लाइफ बाई गोइंग फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, है ना, उनके बारे में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्या है, कैसे, सब कुछ देखेंगे। बस आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। आप मेरा केयर करते हो, मैं तो आपका केयर करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज आई अपलोड द वीडियोज़ ऑफ योर टेक्स्ट बुक डेली, है ना। सो इट्स वेरी सिंपल दैट आई केयर फॉर अदर स्टूडेंट्स, बट हाउ विल आई नो दैट यू केयर फॉर मी, है ना। तुम भी मेरे लिए केयर करते हो, हाउ विल आई नो अबाउट दैट। सो इट्स वेरी सिंपल, आई कैन इजिली नो दैट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड, है ना। तो सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड नाउ विल स्टार्ट अवर चैप्टर नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। तो सर क्या है ये नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, मतलब बड़ा अजीब नाम है सर, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ, आप बता नहीं रहे हो। चलो तो बता देता हूँ, नॉमेडिक मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, नॉमेडिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को इधर से उधर घूम के काटे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू नॉमेडिक, एम आई नॉमेडिक, नो वी आर नॉट नॉमेडिक। सर क्यों हम नॉमेडिक नहीं है, क्योंकि ना यार हमारे पास एक घर है, हम उस घर में रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम दर दर भटकते हैं, तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट नॉमेडिक, हम नॉमेडिक नहीं। तो नॉमेडिक वो लोग होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता है, अपनी ज़िंदगी काटने के लिए इधर से उधर रखड़पट्टी करते हैं और पैसे कमाते हैं और उस तरीके से अपने जीवन को जो जीते हैं। सो दैट पीपल आर नॉमेडिक, वही बंदे क्या होते हैं, वही लोग नॉमेडिक होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया जान के। चलो अब डिनोटिफाइड ट्राइब्स क्या होता है सर, मतलब एक नया आ गया। ट्राइब्स मतलब क्या होता है, ट्राइब्स मतलब जाति, ट्राइब्स मतलब ऐसे लोग, है ना, काइंड ऑफ आदिवासी टाइप ऑफ लोग, दैट इज अ ट्राइब। नॉमेडिक मतलब आपको पता चल गया, जिनके पास घर बार नहीं होता है, इधर से उधर घूम के अपना व्यवसाय धंधा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, ठीक है। अब डिनोटिफाइड क्या होता है, डिनोटिफाइड कुछ ऐसे लोग हैं, डिनोटिफाइड बेसिकली दे आर ऑल्सो नॉमेडिक। डिनोटिफाइड का मतलब भी नॉमेडिक होता है, पर डिनोटिफाइड इनको नाम, अब ये नाम अगर नॉमेडिक ही है तो डिनोटिफाइड क्यों हो गया सर, क्यों अलग नाम दे दिया। तो इट्स वेरी सिंपल, तो डिनोटिफाइड जो है ना गाइज, ये वो बंदे हैं जिन जिनको है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो 1857 में, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, अभी पढ़ेंगे आगे, अभी मैं थोड़ा सा लाइटली समरी बता रहा हूँ। 1857 में जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल, है ना, इनको क्रिमिनल साबित कर दिया था। क्या साबित किया था, ये मतलब नॉमेडिक लोग ही थे और भी कुछ लोग थे मिलजुल के, है ना। इनको 1857 में एक मार झगड़ा हुआ था, रिवॉल्ट, है ना, बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, मार झगड़ा, जिसके अंदर ये लोग ने भी अपना हाथ बटाया था। तो दैट इज़ वाई इन लोगों को, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्रिमिनल, है ना, इनको क्रिमिनल साबित कर दिया, क्रिमिनल कम्युनिटी बना दिया, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज डिनोटिफाइड। अच्छा, इनको ना क्रिमिनल का जो दर्जा दिया गया था उसको, है ना, जब भारत आज़ाद हो गई तो अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इनको फिर, मतलब, है ना, आज़ाद कर दिया था 1952 में, 1982 के अंदर, 52 को 82 बोलते क्या, नहीं, 85 से 51 52, सॉरी 1952 के अंदर, है ना, मेरी हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं है भाई। तो 1952 के अंदर बेसिकली देवर, है ना, फ्रीड, भारत गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इनको फ्री कर दिया था भाई। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट साले हरामी थे, चोर थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, चलो, है ना, बहुत हरामी थे ये साले, है ना। आप पढ़ोगे इनके बारे में, डोंट वरी गाइज, इन 8th क्लास यू विल स्टडी अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, एंड वॉट दे डिड टू इंडियन पीपल्स, यू ऑल्सो गोइंग टू स्टडी दैट एज वेल। तो आपको पता चलेगा, है ना, कौन है भाई। अच्छा, फिर आपको ये पता चलेगा कि वाई आई एम टेलिंग दैम हरामी, है ना, वाई दे आर एक्चुअली हरामी। तो यू विल नो अबाउट दिस इन 8th क्लास। तो यहाँ पे हम जानते हैं, चलो, तो ये समरी तो मैंने दे दिया, नॉमेडिक, है ना, नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। तो बेसिकली धोज ट्राइब्स, धोज हु, है ना, सर्वाइव देयर लाइफ बाई गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सिंपली दे आर द नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। ओके, नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर। चलो, इंडिया इज अ कंट्री विद अ डाइवर्स कल्चरल लेगेसी। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ क्या पे बोला गया है, यहाँ पे बोला है इंडिया, भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि कई सारे यहाँ पे संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन, द ग्रेट टास्क ऑफ यूनाइटिंग द एंटायर नेशन हैज बीन डन इन मेनी वेज, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, भारत की बहुत बड़ी, है ना, बहुत, मतलब विविधता है इसके ज्योग्राफी की, अगर देखो ना, कई सारे यहाँ पे जगह हैं अलग अलग, है ना, देयर आर ऑलमोस्ट टोटल 29 स्टेट्स इन इंडिया। सो बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए ना, हम पूरे भारत की जो नेशन है, पूरा जो राष्ट्र है, उसको यूनाइट करने का जो प्रोसेस है हमारा अभी तक चल रहा है ना, कई तरीके से भारत को यूनाइट करने के लिए कई तरीके के, है ना, अपने आप ही स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जानते ही होंगे, वी आर एसोसिएटेड इमोशनली विद इवन धोज पीपल ऑल्सो हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस इन लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल। चलो यहाँ पे हम क्या है,
एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट है, एंड इवन यू नो दैट, ठीक है, द पीपल हु इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, और सिंपली से दैट द पीपल हु इज़ फ्रॉम दिल्ली, एंड इफ दे कम इन गुजरात, सो आर यू गोइंग टू जस्ट सू देम अगेन इन लाइक दिल्ली? नहीं, आप उनको भगाएंगे क्या? सू मतलब भगा दोगे क्या आप उनको? नहीं ना, बिकॉज वी आर इमोशनली कनेक्टेड टू ईच अदर, बिकॉज वी नो दैट ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर. देर इज अ लाइन, देर इज दिस लाइन इन द लाइक इंडियन प्लेज, है ना, इंडियन प्लेज के अंदर ये लाइन है, ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर. तो अगर सब इंडियन भाई और बहन है तो शादी किसे करेंगे रे? हाँ, शादी किसे करोगे अगर सब तुम्हारे भाई बहन है तो शादी लोचाओगे सर? ये स्टेटमेंट ना थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है, ठीक है. तो मतलब ये कहने का मतलब ये है, ब्रदर एंड सिस्टर मतलब ये नहीं बहन, मतलब कि सब हमारे दोस्त हैं, सब भारत के वासी जो है हमारे दोस्त हैं, एंड वी आर बेसिकली इमोशनली कनेक्टेड विद देम. बहुत बढ़िया सर, चलो आगे बढ़े क्या सर? हाँ बिल्कुल बढ़े सर. चलो अब क्या, लेट्स स्टडी अबाउट सच नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स कनेक्टिंग वेरियस कल्चर्स. चलो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, उन्हीं के बारे में, यानी कि नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम, लाइक हाउ दे लिव्ड, है ना, हाउ दे लिव्ड एंड हाउ दे एक्चुअली, है ना, एंड वॉट डिड दे डू टू गेट रुपीज, टू गेट मनी, टू गेट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर देयर, है ना, लाइवलीहुड. चलो, नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ऑक्यूपेशन एंड वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे क्या लिखा है, नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, जो ये दो ट्राइब्स हैं, ये बेसिकली वो ये लोग हैं जिनके पास घर वर नहीं था, इधर से उधर भटकते थे. अब ये लोग क्या करते थे, माइग्रेटेड फ्रॉम एक जगह टू अनदर, माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ऑक्यूपेशन, है ना, काम धंधे के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और भी कई इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते थे. ठीक है, 50% हो गया, चलो 50% का डेटा है, यूज़ हो गया है, फिर भी आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, मतलब अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छा संकेत थोड़ी ना है. ठीक है, यहाँ पे मैं 50-50, 100-100% के यहाँ पे मैं अपने MB वगैरह खवा रहा हूँ, और आप वीडियो नहीं लाइक करते हो तो मज़ा थोड़ी ना आएगा सर को यार गाइज. ठीक है, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए. चलो नोमेड, ठीक है, सीइंग, ठीक है, टाइम माई फ्रेंड, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, सीइंग द रोल ऑफ दिस कास्ट इन द अपराइजिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम सेपरेटेड देम फ्रॉम द कम्युनिटी एंड डिक्लेयर्ड सम ऑफ देम एज क्रिमिनल कम्युनिटी अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871. बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी 1857 में जो बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा मार झगड़ा हमला हुआ, जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था 1857 के अंदर, जो ये रिवॉल्ट हुआ था ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे देखा, उन्होंने ऐसे नोटिस किया दैट, है ना, ट्राइब्स वर आल्सो नॉमेडिक ट्राइब्स, और लेट्स से कि बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे वो लोग भी इसके अंदर, है ना, दे वर जस्ट, है ना, ऑल्सो जस्ट दे ऑल्सो हैड द रोल, है ना, दे ऑल्सो हैड द रोल इन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये भाई लोग भी यहाँ पे अपना हाथ पैर मार रहे हैं इस 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो मार झगड़ा था 1857 में जो हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि ये भाई लोग भी यहाँ पे अपना हाथ बटा रहे हैं. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने, है ना, उस समय की जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सेपरेटेड धैम फ्रॉम द कम्युनिटी, है ना, उनको क्या किया, कम्युनिटी से अलग निकाल दिया, और फिर बाद में उनके ऊपर, है ना, जो नॉमेडिक कम्युनिटी में थे वो लोग थे, तो उनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, और उनको डिक्लेयर कर दिया क्रिमिनल कम्युनिटी, है ना, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड देम क्रिमिनल कम्युनिटी अंडर द एक्ट, है ना, अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871, है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में था उस समय, तो उसी के अंदर इनको मतलब डाल दिया गया था, किसको, ये जो लोग हैं ना उस समय मतलब 1857 में हिस्सा लिए थे रिवॉल्ट के अंदर, तो ये ऐसा ऐसा, और उन्हीं को अपने डी नोटिफाइड ट्राइब्स भी बोलते हैं. और ये लोग को ना 1952 के अंदर अपने जो है, मतलब यहाँ पे है, आगे देख लेते हैं. चलो, इट टूक अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस प्रोपोगेंडा टू कम टू एन एंड, है ना, इसको खत्म होने के लिए, इस जो ये जो प्रोपोगेंडा था इसको खत्म होने के लिए काफी लंबा समय लगा. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरेटेड दिस ट्राइब फ्रॉम दिस ब्लैक एक्ट इन 1952 एंड गिव देम रिस्पेक्टेबल स्टेटस एज डी नोटिफाइड ट्राइब. बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भारत अपनी आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, लिबरेटेड दिस ट्राइब्स फ्रॉम द ब्लैक एक्ट, है ना, इनके ऊपर जो काला जुर्म लगा था, ये जो काला एक्ट था, इन 1952 एंड गेव देम रिस्पेक्टेबल स्टेटस, और इनको एक स्टेटस दे दिया गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स, है ना, डी नोटिफाइड ट्राइब्स का इनको स्टेटस दे दिया गया, किसको, जो ये ट्राइब्स थे जिनको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली में, है ना, इनको क्रिमिनल कम्युनिटी बना दी थी, तो इनको अपने इंडियन के, ठीक है, भारत की सरकार ने क्या किया, इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स का नाम दिया. चलो, नोमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ स्टाइल्स. ठीक है, अभी क्या देखेंगे, इनके वास्तविकता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, और इनके लाइफ स्टाइल, इनका जो जीवन बोलते हैं ना, लाइफ स्टाइल का हिंदी क्या होता है यार, नहीं पता है मेरे को. ठीक है, आप समझ रहे हो ना लाइफ स्टाइल मतलब, हाँ समझ ही रहे होगे यार, बच्चे थोड़े ना लगे हो आप. चलो, तो इनके हम देखेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इनके जो हैं
किन कैसे इनके कैरेक्टर्स थे, कैसे ये लोग थे, क्या करते थे, कैसे करते थे, इनका लाइफ स्टाइल क्या था. तो नॉमेडिक एंड इनोडिफाइड ट्राइब्स. चलो, सम ट्राइब कॉन्स्टेंटली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर लाइवलीहुड हुम वी नो एज नॉमेडिक और डिनोडिफाइड ट्राइब. बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे वही बताया गया कि किसको बोलते हैं नॉमेडिक एंड डिनोडिफाइड ट्राइब्स. सो बेसिकली ये लोग हैं. कुछ लोग बोलते हैं सर ट्राइब का मतलब क्या होता है. चलो सर, ये ट्राइब का मतलब क्या होता है. ट्राइब मीन्स पीपल, है ना. पीपल दोज हु बिलोंग फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, यू कैन से दैट. ठीक है, सम ट्राइब्स है ना. ट्राइब्स मतलब नॉर्मली पीपल. आप सिंपली आप समझिए ट्राइब मतलब पीपल. चलो, सम ट्राइब्स है ना क्या करते थे, कॉन्स्टेंटली लगातार एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, अपने लाइवलीहुड के लिए, है ना. फ्रॉम वन मूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द लाइवलीहुड, है ना. यानी उनके रोज दिनचर्या के लिए, डेली रोज की उनकी जिंदगी के लिए वो क्या करते थे, अपने लाइवलीहुड के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे. और उन्हीं लोग को बेसिकली वी नो दैट, है ना, एंड वी नो एज नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब, है ना. उन्हीं लोग को हम किस नाम से जानते हैं, नोमेडिक या डिनोटिफाइड ट्राइब्स. बहुत बढ़िया. दिस ट्राइब्स वर स्केटेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. ये जो ट्राइब्स है वो भारत की हर जगह फैले हुए थे. ठीक है, दे मेड देयर लिविंग बाई डूइंग स्मॉल एंड बिग ऑक्यूपेशन. यहाँ पे क्या लिखा है, वो जो अपना रहने का जुगाड़ है, दे मेड देयर लिविंग बाई डूइंग छोटा मोटा धंधा करके, ऑक्यूपेशन मतलब धंधा. ठीक है, छोटा मोटा धंधा करके वो अपने जीवन को चलाते थे. देयर लाइफ वॉज लार्जली बेस्ड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एनिमल हस्बेंड्री. चलो यहाँ पे क्या लिखा है, उनका जो लाइफ है इट वॉज लार्जली बेस्ड ऑन, है ना, राइट नाउ बिकॉज चलो यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अवर लाइफ इज लार्जली बेस्ड ऑन द कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. ठीक है, बिकॉज अवर फादर अवर पेरेंट्स वर्क इन द इंडस्ट्रीज. बट है ना, नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है, देयर लाइफ वॉज लार्जली बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एनिमल हस्बेंड्री. नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स रूम्ड फार एंड वाइड विद देयर एनिमल हस्बेंड्री. चलो यहाँ पे क्या है कि जो नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड जो ट्राइब्स है वो इधर से उधर अपने एनिमल हस्बेंड्री को लेके घूमते फिरते रहते थे. दे एक्सचेंज ग्रेन, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर आइटम्स लाइक वूल एंड घी एक्सेट्रा फ्रॉम द सेटल्ड फार्मर. चलो, जो फार्मर सेटल होते थे उस समय के, जो सेटल्ड फार्मर थे जिनकी अच्छी खेती बाड़ी थी, उनके साथ ये सारी चीज़ों को ये एक्सचेंज करते थे. मतलब ये इनके पास अगर ज़्यादा होता था तो दे गेव सच थिंग्स लाइक ग्रेन एंड क्लोथ्स टू द फार्मर्स एंड द थिंग्स विच वर रिक्वायर्ड टू धैम बाई द फार्मर्स. सो जस्ट दे टुक दैट फ्रॉम द फार्मर्स, ये फार्मर से ले लेते थे. चलो बहुत बढ़िया. अब क्या गया, सम नॉमेडिक पीपल लोडेड गुड्स ऑन एनिमल एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू बाई एंड सेल गुड्स. बहुत बढ़िया. यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ जो नोमेडिक पीपल थे, है ना, दे व्हाट एक्चुअली डिड, है ना, वो क्या करते थे, एनिमल्स पे, है ना, यहाँ पे लोड करते थे सामान को. गुड्स मतलब यहाँ पे सामान है, गुड वेरी गुड वाला नहीं है ये. ठीक है, गुड वेरी गुड, वेरी बैड, ये वाला गुड बैड नहीं है भाई साहब. ये कौन सा गुड है, गुड मतलब सामान. तो वो क्या करते थे, एक्चुअली दे लोडेड गुड्स ऑन एनिमल एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेल गुड्स, है ना. ये मतलब सामान बेचने के लिए एनिमल्स के ऊपर लाद देते थे, उसको चढ़ा देते थे और इधर से उधर जाके उसको बेचते थे. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेगा गाइज. हाँ, बढ़ना चाहिए सर. चलो बड़े सर, हाँ बिल्कुल सर बड़े ना, अभी क्यों टाइम पास कर रहे हो सर, मजाक बहुत करते हो. सम नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स वर एसोसिएटेड विद द ट्रेड ऑफ शिप, गोट, हॉर्स, काउ, बफेलो, डोंकी, कैमल, ऑक्स एक्सेट्रा. चलो यहाँ पे कुछ जो नोमेडिफाइड, अरे नोमेडिफाइड क्यों नाम आ जा रहा है, मतलब मिक्स कर दे रहा हूँ मैं नोमेडिक और डिनोटिफाइड को. ठीक है, तो सम नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, जो कुछ नोमेडिफाई, देखो यहाँ पे फिर से नोमेडिफाई, नोमेडिक और डिनोटिफाइड जो ट्राइब्स थे, है ना, वो क्या करते थे, शिप, गोट, हॉर्स, डोंकी, कैमल, इनको क्या करते थे, वो बेच देते थे ना, बेच के अपना व्यापार जो है पैसे अर्न करते थे. सम स्मॉल एंड बिग हॉकर्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स वेंट फ्रॉम वन टू अनदर फॉर सेलिंग सेल्फ मेड रॉप, ग्रास मैट्स, लार्ज बैग्स. चलो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रास मैट्स होता है, चटाई वगैरह, है ना, ग्रास की, घास की चटाई और रस्सियाँ यानी रॉप यानी, और लार्ज बैग, बड़े बड़े जो बैग वगैरह आते थे, कुछ जो है इस छोटे मोटे जो यहाँ पे ट्राइब्स थे, ठीक है, छोटे मोटे जो नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स थे. हॉकर मतलब क्या होता है, जो जगह जगह पे जाके सामान को बेचता है. ठीक है, जैसे आप देखते हो लारी पे सामान लेके आते हैं ना बेचने के लिए, उनको हॉकर बोलते हैं ना, जो जगह जगह पे जाके सामान को बेचता है. तो ये लोग क्या, ये सब ग्रास मैट्स वगैरह, लार्ज बैग्स, है ना, रोप यानी रस्सियाँ वगैरह बेचते थे जा जाके. सम नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स इंक्लूडेड कंगसिया, मोडवाना, वर इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ बैंगल एंड कॉस्मेटिक. चलो यहाँ पे ये दो नोमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के यहाँ पे नाम बताया गया है, कंगसिया एंड मोडवाना. सर ये क्या है, कंगसिया एंड मोडवाना, तो बेसिकली आप जैसे जानते हो कि हम वी आर द, है ना, सेटल्ड, हम सेटल्ड ट्राइब्स है बेसिकली. अब देखो यहाँ पे मैं हिंदू हूँ और कुछ लोग क्षत्रिय हो जाते हैं, कुछ लोग राजपूत होते हैं, तो ये इसी तरीके से इनका भी, ये जो नोमेडिक ट्राइब्स थे इनके भी यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की जाति हैं. तो देट आर कंगसिया एंड मोडवाना. ये लोग क्या करते थे, बैंगल और कॉस्मेटिक, है ना, जैसे ईयर रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, ये सब चीज़ों को, है ना, बैंगल्स हो गया, चूड़ियाँ वगैरह, ये बेचते थे. अ डिस्टिंक्टिव, चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. ठीक है सर, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े. अ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी ऑफ दिस ट्राइब्स वॉज दैट द लैंग्वेज,
सोशल अफेयर्स एज वेल एज द लाइफ स्टाइल रिमेन आइडेंटिकल। चलो इनकी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी क्या है, आप इनको कैसे पहचान सकते हो, है ना। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब। सो इट्स वेरी सिंपल, है ना, बाय द लैंग्वेज। सोशल अफेयर्स, है ना, इनके जो अपने पारंपरिक जो संस्कृति हो जो होती है, इनकी कल्चर बेसिकली जो होती है, इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर सेटल्ड ट्राइब्स, है ना। तो इसलिए यू कैन इजली, वन कैन इजली आइडेंटिफाई द इवन इन टुडेज़ टाइम, है ना, इवन इन टुडेज़ 21st सेंचुरी, यू कैन सी सच काइंड ऑफ पीपल हु आर नॉमेडिक और डिनोटिफाइड बेसिकली, है ना। देयर लाइफ स्टाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल दोज हु लिव इन सिटीज। सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन इजली जज दैम, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ स्टेबल सोशल सिस्टम दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिफरेंट लेवल कम्पेयर टू अदर सोसाइटी, है ना। यहाँ पे क्या, उनके सोशल सिस्टम में, है ना, उनकी जो सामाजिक सिस्टम थी उसके अंदर लैक ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब कोई उनका सामाजिक समाज तो था नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल्स, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्पेशल मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्राइब, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्पेशल मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्राइब्स लाइक सन्सी, कंजार एक्सेट्रा एज वेल एज ग्रुप लाइक वणजारा, करका मुंडी, ठीक है, हरन शिकारी, बाई इंक्लूडिंग दैम नॉमेडिक एंड इनोडिक। चलो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, सांसी, कांजार और वंजारा, करकामुंडी। तो ये जो हैं, इनको, है ना, अपने गवर्नमेंट ने स्पेशल, है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हो स्पेशल मेजर्स इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके ज़िंदगी में इनको आगे बढ़ने के लिए, इनके लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर द गवर्नमेंट कंडक्टेड ए स्पेशल स्टडी ऑन देम एंड डिटेल्ड रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन 2008। चलो यहाँ पे इनके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली अवर इंडियन गवर्नमेंट वॉज रियली, है ना, दे वर रियली गुड। तो यहाँ पे वो चाहते थे कि दिस नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब, है ना, माइट नॉट कम टू एंड। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे इनके लिए, ना, मतलब एक स्पेशल की स्टडी किया, स्पेशल इनके लिए स्टडी किया और पूरा रिपोर्ट जो है उसका पूरा तैयार किया कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये लोग कहाँ नहीं रहते। 2008 में इसकी पूरी तैयार की है ना स्टडी इनके बारे में, है ना। चलो, अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू गिव देम ह्यूमन राइट्स बाय गिविंग देम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब। चलो यहाँ पे क्या है, इनको भी, है ना, आप बोल सकते हो इंसानियत धर्म दे, है ना, ह्यूमन राइट, इनको भी हक दे पूरी तरीके से। ऐसे कई सारे अटेम्प्ट जो है सरकार द्वारा ली जाती है कि इनको भी पूरा जो हक है, ह्यूमन राइट जो है, इनको पूरा मिलना चाहिए, और इसीलिए, है ना, इनको एक अलग से स्टेटस मिल गया, नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सर, आगे बढ़ना चाहिए। चलो, द नॉमेडिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया इंक्लूड अघोरी, यहाँ पे कुछ अलग अलग नाम है, आप देख सकते हो भारत के जो नॉमेडिक ट्राइब्स हैं, है ना, द नॉमेडिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर लाइक कौन कौन है, अघोरी, बहुरूपी, वणजारा, बरंडा, बहामता, ये अलग अलग नाम है। सो इन दिस रेड, है ना, आई हैव जस्ट अंडरलाइन देम फ्रॉम रेड कलर, सो यू कैन रीड दिस, है ना, आई एम नॉट गोना लाइक सिंपली रीड इट अलाउड, सो यू कैन रीड दिस। चलो, नॉमेडिक ट्राइब्स इन गुजरात। अब चलो, गुजरात के जो नॉमेडिक ट्राइब्स हैं वो कौन से हैं, बजड़िया, गरुड़ी, बांसबोड़ा, ये सब अलग अलग नाम है यार दोस्तों, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी, देखो मेरे को याद नहीं रखना है, बेसिकली इट इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ऑल दिस नेम्स इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है रेड कलर में जो है, दे आर द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, है ना, दे आर द ट्राइब्स एंड दे बिलोंग फ्रॉम द ऑल इंडिया, मतलब इंडिया के कोई भी एरिया में ये रहते होंगे। बट नाउ द ट्राइब्स, द ग्रीन कलर, द ग्रीन अंडरलाइन, ठीक है, दीज आर द ट्राइब्स विच बिलोंग फ्रॉम, है ना, विच बिलोंगड, आप बोल सकते हो, आई डोंट थिंक कि ये अभी होंगे, हो भी सकते हैं, ठीक है। तो दे बिलोंगड फ्रॉम गुजरात, है ना, दीज नॉमेडिक ट्राइब्स इन गुजरात इंक्लूड, देखो यहाँ पे नाम दिया गया है। चलो, और भी एक नाम दिया गया है, तो आपको इसको अकॉर्डिंगली आपको देख लेना है, चलो, ठीक है। तो होप करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आप सभी को यहाँ पे, एक्चुअली ये देख सकते हो। चलो, आगे बढ़े गया दोस्तों, बिल्कुल आगे सर, बढ़े आगे सर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड स्पेशल प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्राइब्स बाय इंक्लूडिंग देम इन द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स। चलो, इंडियन गवर्नमेंट का इनके लिए काफ़ी अच्छा प्लान वगैरह बनाया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस इंक्लूड मैटर्स टू मेक दिस ग्रुप परमानेंट एज दे आर कॉन्स्टेंटली माइग्रेट। चलो, यहाँ पे दिस प्लान्स इंक्लूड मैटर्स टू मेक दिस ग्रुप परमानेंट एज दे आर कॉन्स्टेंटली माइग्रेटिंग। चलो, यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि अवर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू, है ना, गिव देम ह्यूमन राइट्स, इज दे आर प्लानिंग टू गिव देम सम, है ना, स्पेशल राइट्स, बट वो राइट्स में क्या देना चाहते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे बताया गया दिस प्लान्स इंक्लूड मैटर्स टू मेक देम ग्रुप परमानेंट एज दे आर, है ना, ये देखो कॉन्स्टेंटली माइग्रेट करते, इधर से उधर भागते रहते, माइग्रेटिंग, है ना। तो अपने इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे एक ही मोटिव है, एक ही एम है कि टू मेक देम परमानेंट ग्रुप, ठीक है। स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स हैव बीन सेट अप फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके भी बच्चों के लिए, है ना, स्पेशल स्कूल्स एंड, है ना, बोल सकते हो कि हॉस्टल्स हैव बीन सेट अप इन गुजरात। चलो, वील ट्राई टू नो अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ सम नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
इंडिया एंड गुजरात। चलो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, इनके लाइफस्टाइल के बारे में और कुछ नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, इंडिया और गुजरात के दोनों के। ठीक है, तो पहले कौन है यहाँ पे, देवी पूजक। ठीक है, पहले यहाँ पे कौन है गाइज, एक सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, वेट वेट, तो पहले कौन है यहाँ पे गाइज, देवी पूजक के बारे में देखेंगे। ये देवी पूजक कौन है सर, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, इधर देवी पूजक ये कौन है, बताएं आपको। नॉमेडिक या तो आप डिनोटिफाइड ट्राइब्स बोल लो, उनकी एक जाति है, नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स की एक लोक की जाती है। चलो उनके बारे में, देवी पूजक के बारे में पढ़ेंगे। अमॉन्ग द डिनोटिफाइड ट्राइब्स इन गुजरात, देवी पूजक ट्राइब इज फाउंड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है वो गुजरात में काफ़ी सारे हैं, इसी तरह से देवी पूजक ट्राइब जो है वो भी कई सारे गुजरात के पार्ट्स में पाया जाता है। अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ वेजिटेबल, दिस पीपल आर फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन सम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। चलो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये ज़्यादा करके प्रोडक्शन या तो फिर वेजिटेबल की व्यापारी करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन यानी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, और वेजिटेबल भी ये लोग मतलब ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। बट और भी ये लोग क्या करते हैं, कई सारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल है ना, जो यानी कि पारंपरिक जो धंधे होते हैं, कई सारे चीज़ होते हैं उनके, उसमें भी ये लोग काम करते हुए देखे जाते हैं। इन द सोसाइटी ड्यू टू लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस सुपरस्टिशन सब इविल प्रैक्टिसेस आर स्टिल सीन इन सम प्लेसेस, एज अ रिजल्ट पॉवर्टी इज सीन इन द सोसाइटी। बहुत बढ़िया, अभी क्या है, ये जो देवी पूजक है, देवी पूजक के जो लोग हैं बेसिकली दे आर द नॉमेडिक ट्राइब है ना, मतलब कि चलते फिरते लोग है ना, मतलब इनमें इतना नॉलेज नहीं है, एजुकेशन एजुकेटेड नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे आपकी तरह नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये लोग ना अलग अलग अंधश्रद्धा, आप बोल सकते हो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी इनके पास अवेयरनेस नहीं है, मतलब दुनिया से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब अंधश्रद्धा है ना, बोलते हैं कि सोमवार को ये मत करो, मंगलवार को ये मत करो, ये पहनते हैं वो पहनेंगे, बड़े बड़े हाथ में कड़ी पहनेंगे, सोचेंगे कि चलो भगवान है, ये है, ऐसा है, इविल प्रैक्टिसेस इवन ये लोग करते हैं ना। तो इसीलिए ना पॉवर्टी, गरीबता देखी जाती है, बिकॉज है ना इन अंधश्रद्धा वाले लोग हैं ये लोग, तो इसीलिए क्या यहाँ पे पॉवर्टी भी देखी जाती है। कास्ट ट्राइब्यूनल्स प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल ऑफ आर्बिट्रियर इन सोशल डिस्प्यूटेड फैमिली। चलो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना, एज इट सॉल्व प्रॉब्लम इश्यूज रिलेटेड टू द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ बताया जाए बेसिकली ये लोग के जो भी है ना प्रॉब्लम्स होते थे है ना, वो कभी भी है ना कोर्ट तक नहीं रीच हो पाते हैं। ठीक है, पहुंच नहीं पाते, कोर्ट तक नहीं पहुंचते, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ झगड़ के सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इन रिसेंट टाइम्स एज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ इंक्रीज इन दिस सोसाइटी, रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के टाइम में, आज के समय में क्या हो गया, स्टैंडर्ड एजुकेशन इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, नो मैटर वेदर दे आर फ्रॉम द नॉमेडिक ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस और एनी है ना शेड्यूल ट्राइब्स, कोई भी ट्राइब्स से डजेंट मैटर, बट एक्चुअली एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स है ना, बाई द इंडियन गवर्नमेंट, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे अभी ये ऐसा कुछ है। चलो अभी वर्णजारा के बारे में बात करें, देवी पूजक के बारे में बात कर लिया, वर्णजारा के जो लोग हैं अपने अभी उनके बारे में थोड़ा सा जो बात है कर लेंगे। ठीक है, वर्णजारा के बारे में, ओके चलो वर्णजारा की बात करें, पीपल इन्वॉल्व इन वर्णजार आर नोन एज वर्णजारा। चलो जो भी लोग वर्णजार के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हीं को अपने वर्णजारा बोलते हैं। वर्णजारा क्या है, मतलब एक नॉमेडिक ट्राइब है। ठीक है, वर्णजारा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द नॉमेडिक ट्राइब। चलो नॉमेडिक ट्राइब के अंदर से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, वर्णजारा। वर्णजारा ट्राइब्स इज द मोस्ट, अरे सॉरी, वॉज द है ना, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द नॉमेडिक ट्राइब। इट हैज़ बीन वेल नोन नेम इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर सिंस एंशिएंट टाइम। चलो इनका जो नाम है ना, बोल सकते हो आप एंशिएंट टाइम से ही वेल, काफ़ी ये जाने माने लोग हैं। कौन, वणजारा वाले लोग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मर्चेंट वर एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मर्चेंडाइज कॉमर्शियल गुड्स है ना। चलो जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे मर्चेंट्स हैं, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वणजारा के जो लोग हैं ये किसके अंदर एंगेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मर्चेंडाइज, यानी अलग अलग सामान के ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर पहुँचाते हैं अलग अलग सामान के। तो इस ऑक्यूपेशन में ये काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कलेक्शन ऑफ देयर कॉमर्शियल गुड्स वॉज नोन एज वणजार है ना। चलो ये जो कॉमर्शियल गुड कलेक्शन इनका होता था उनको अपने वणजार बोलते हैं ना, पीपल इन्वॉल्व इन वणजार। अब देखो यहाँ पे भी शुरुआत में ये लिखा था, जो लोग वणजार के अंदर इन्वॉल्व, वणजार का मतलब होता है गुड्स का, यानी कि सामान का ढेरा, ये लोग क्या सामान का ढेर लगाते हैं और फिर उसको इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे। चलो अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड देम टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड गुड्स टू द मार्केट ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी आ गए फिर से, मतलब दिल्ली सल्तनत के। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, इनको यूज़ करते थे क्या करने के लिए, अब पहुँचा सामान जो है, गुड्स वगैरह जो है वो दिल्ली पहुँचवाने के लिए, मतलब दिल्ली के मार्केट में पहुँचाया जाता था जो सामान को, यानी कि ग्रेन्स को है ना, जो गेहूं चावल वगैरह होते थे और भी जो सामान होते थे, दिल्ली के मार्केट में पहुँचाया जाता था इनके थ्रू है ना, बाय अलाउद्दीन खिलजी। चलो एम्परर जहांगीर हैज़ ऑल्सो मैंसन अबाउट कैरिंग ग्रेन्स ऑन ऑक्शन बाई
वणजारा एंड सेलिंग देम इन सिटीज। चलो अब जो ये हैं एम्परर जहांगीर जो हैं, जहांगीर भी क्या करते थे बेसिकली, ही ऑल्सो यूज वणजार है ना, ही ऑल्सो यूज वणजारा ट्राइब्स टू सेल द, लाइक टू सेल द, आप क्या यहाँ पे बेचने के लिए करते थे भाई है ना, टू सेल द ग्रेन्स ऑन ऑक्सन है ना, जो बड़द वगैरह होते थे उन पे इनको वो करते। आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली ये वणजारा लोग हैं किस तरह से, आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, पूरी इनकी लंबी सी लाइन ही है इस पिक के अंदर। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्स के ऊपर, बड़द के ऊपर जो ग्रेन्स वगैरह है दिल्ली के मार्केट में ये लोग पहुँचाते थे इस तरह से। ठीक है आगे बढ़े क्या सर? हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए सर। चलो स्पेशल थिंग अबाउट वणजारा इज दैट, स्पेशल थिंग अबाउट वणजारा इज दैट ड्यूरिंग द वॉर द मर्चेंट यूज टू ब्रिंग ग्रेन्स एंड गुड्स फॉर द मुगल डायनेस्टी बाय एन ऑक्स कार्ट। ठीक है, इन अ वे वणजारा वर द लिंक बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड। चलो इसी तरीके से वणजारा जो है ना इंडिया और पूरे अपने इंडिया और वर्ल्ड के बीच में एक लिंक था है ना, क्योंकि क्या करते थे गुड्स को एक्चुअली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते थे। मैनी गुड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मैनी गुड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड ऑल्सो वेंट आउट थ्रू देम। चलो क्या करते थे सेंट्रल एशिया से है ना, जो मतलब एशिया के जो सेंट्रल एशिया है, कई सारे जो चीज़ है इधर से उधर ये लोग करते थे है ना, क्योंकि इनका बेसिकली काम ही यही था इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को। ठीक है, कमर्शियल गुड्स को। दे आर लोकेटेड इन इंडिया पाकिस्तान एंड अफगान। ये कहाँ कहाँ पे है, इंडिया पे हैं, पाकिस्तान में हैं और अफगानिस्तान में भी हैं। दिस सोसाइटी डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर द ब्रिटिश रूल है ना, ये क्या हुआ जैसे ब्रिटिश रूल आई, ये जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से मतलब वणजारा की जो बेसिकली इंटेग्रिटी थी, आप बोल सकते हो इनकी जो इंटेग्रिटी थी वो क्या हो गई, डिसइंटीग्रेटेड हो गई। ठीक है, पुअर वणजारास बिकेम द ट्रेडर्स ऑफ बेंगल्स कॉम्स। अब ये जो पुअर वणजारास थे वो क्या करने लगे, बेंगल्स वगैरह कॉम्स वगैरह कंघी वगैरह बेचने लगे। ठीक है ठीक है, सम वर इन्वॉल्व इन अ क्ले वर्क। चलो कुछ क्या करते थे, क्ले वर्क वगैरह भी करते थे, ये सब हैं इनके बारे में इतना। और जो पार्ट टू रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स को, और पार्ट टू तब आएगा अगर आपके रिक्वेस्ट आएंगे कमेंट सेक्शन में, तो क्योंकि गाइस इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आपके रिक्वेस्ट आएंगे तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा पता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप रिक्वेस्ट करो, इट्स ओके। आप अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे या फिर सिंपली नॉर्मली रिक्वेस्ट, मतलब आप सिंपली बस लिख देना यार, आप मेरे दोस्त ही तो हो, मेरे से क्या रिक्वेस्ट करना है भाई, आपका मैं दोस्त हूँ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ करना। तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, लिखना है सर जी एक अच्छा सा एक और पार्ट टू बना दीजिए, तो मेरे को एक्चुअली पता चल गया कितने बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई को लेकर है ना। तो अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी तो बेसिकली वी विल कम विद सेकंड पार्ट एज वेल, और सेकंड पार्ट में तो मतलब तोड़फाड़ कर देंगे और मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी सेकंड पार्ट में, हाँ बता रहा हूँ आपको। ठीक है चलो, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।